क्या सांस फूलना एक असाध्य बीमारी है? सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, ये अस्थमा के लक्षण ही होते हैं और हार्ट में प्रॉब्लम किसी को होती है, ब्लॉकेज होती है। अस्थमा और सांस फूलना एक ही बीमारी है या अलग अलग बीमारियां हैं? इनहेलर लेना सॉल्यूशन नहीं है और इनहेलर लेने से प्रॉब्लम बरस ही होती चली जाती है, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही मौसम बदलता है अस्थमा के रोगियों को अटैक आने शुरू हो जाते हैं। आप हर तरह के अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉनिक है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है। कहते हैं अस्थमा पेशेंट्स को खट्टी चीजें या फिर सिट्रस फ्रूट नहीं खाने चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में विटामिन सी ही कफ की दवाई है। जितना ज्यादा विटामिन सी देंगे उतनी जल्दी कफ आपका दूर होगा। कि आपको थायराइड हो जाए तो डॉक्टर्स बोलेंगे थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन एक महीने में पूरी तरह से थायराइड ठीक हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अक्सर लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई और वजह भी लगाएं तो उनकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, थकान की वजह से कहें या किसी भी वजह से उनकी सांस बहुत ज़्यादा जल्दी फूलने लगती है आम इंसान से, तो क्या सांस फूलना एक असाध्य बीमारी है? बीमारी का लक्षण मात्र है, बीमारी हो भी सकती है और नॉर्मल भी हो सकता है कई बार, लेकिन रीजन का हमें पता जरूर चलाना चाहिए कि किस रीजन की वजह से ये सांस फूल रही है। हो सकता है ये अस्थमा की शुरुआत हो, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, ये अस्थमा के लक्षण ही होते हैं और हार्ट में प्रॉब्लम किसी को होती है, ब्लॉकेज होती है, तो भी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए उनकी सांस फूलने लग जाती हैं। ये तो जब हम डायग्नोस करवाते हैं तभी पता चलता है कि ये हार्ट की वजह से है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी है, अस्थमा है, या उसकी वजह से हमारा सांस फूल रहा है। तो एक बार डायग्नोस जरूर करवा लेना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है या सांस फूलती है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। क्या अस्थमा और सांस फूलना एक ही बीमारी है या अलग अलग बीमारियां हैं? अस्थमा में भी सांस फूलती है और हार्ट इश्यूज की वजह से भी सांस फूलती है। तो जरूरी नहीं है ये कि आपको अस्थमा की वजह से फूल रही है या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से फूल रही है, वो एक रीजन हो सकता है दोनों में से कि आपकी सांस किस वजह से फूल रही है। सांस फूलना और अस्थमा, क्योंकि अस्थमा में भी यही सिम्टम होते हैं, आपकी सांस फूलने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, बार बार खांसी आती है और आपकी श्वास नली के अंदर सूजन आ जाती है। ये सारे सिम्टम अस्थमा के होते हैं और नॉर्मली जो हार्ट इश्यूज की वजह से हमारी सांस फूलती है उसमें भी सिम्टम यही होते हैं, लेकिन उसमें आपको छाती में जकड़न महसूस नहीं होती है, हार्ट की तरफ आपको हल्का पेन महसूस होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते भी आपको हार्ट वाली जगह पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग हैं, समझ में आ जाते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको छाती में कफ जमा होता है, बलगम जमा होता है, सांस लेने में साए साए की आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आने लग जाती है। अस्थमा के रोगियों को अक्सर पंप लेने की सलाह दी जाती है, इनहेलर जिसे की कहा जाता है, इनहेलर लेने की सलाह ज्यादा दी जाती है, तो क्या ये इनहेलर सारी जिंदगी लेना पड़ता है एक बार लेने के बाद? इनहेलर लेना सॉल्यूशन नहीं है और इनहेलर लेने से प्रॉब्लम बरस ही होती चली जाती है, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है। सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा को 15 दिन केवल मात्र करने से हर तरह का अस्थमा जड़ से हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है अस्थमा के रोगियों को अटैक आने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर के हर उम्र के व्यक्ति अस्थमा के आते हैं। अस्थमा की आजकल कोई उम्र नहीं रही, छोटे बच्चों में ज्यादा हो रहा है, जवान लोगों में और बुजुर्ग लोगों में सभी में अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है और बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में ये और ज्यादा बढ़ जाती है। धूल धुआं, पॉल्यूशन है, कहीं पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लोगों को। जो पॉल्यूशन वाले माहौल में रहते हैं, ऐसे माहौल में काम करते हैं या पूरा दिन भर बंद मकानों में रहते हैं, एसी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, उनको भी ये अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम को आप 15 दिन में बिना इनहेलर के योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा क्योर कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि दमा तो दम के साथ जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनहेलर लेते रहो, दवाइयाँ लेते रहो और चलते रहो, लेकिन ये पूरी तरह से असत्य है।
आप हर तरह के अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉनिक है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, हर तरह का अस्थमा ठीक हो सकता है। और रोगी की हालत भी इतनी क्रिटिकल होती है, वो कमजोर हो चुका होता है, खांसते खांसते उसका मुंह बिल्कुल पीला हो जाता है, कई बार खांसते खांसते उसको अंदर से कफ वाला भी होता है, कई बार सूखी खांसी भी आती है, दोनों ही तरह का अस्थमा हो सकता है, कफ वाला भी और बिना बलगम वाला भी। लेकिन दोनों में ही आपकी छाती में बहुत ही भयंकर जकड़न होती है, उसके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा योग में कुछ क्रियाएं करवाते हैं। बहुत ही डिटेल में आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अस्थमा को घर में रह करके या प्राकृतिक चिकित्सालय में आकर के जड़ से ठीक कर सकते हैं। आपको इसको सहन करने की पूरी जिंदगी भर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान संभव है। अस्थमा होने पर क्या करना चाहिए? अभी आपने बताया कि इसको घर में रह के ठीक किया जा सकता है, अगर अचानक से अस्थमा का अटैक हो तो उस वक्त क्या करें? देखिए, पहले तो मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊंगी, पहले मैं यही कहूंगी कि इसका इलाज आप शुरू से लास्ट तक पूरा करें, डाइट से लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा की योग शामिल हो। लेकिन सबसे पहले ऐसी होम रेमेडी आज आपको बता देती हूँ कि अचानक अभी अटैक आया है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम, आपको अदरक लहसुन और शहद, अदरक लहसुन को एक ग्लास पानी के अंदर डाल करके बॉईल कर लीजिए, और जब ठंडा हो जाए उसको छान करके उसमें थोड़ा शहद डाल लीजिए। इसको एक कप बना करके सुबह और एक कप बना करके शाम को, जब आपको अटैक भी आ रहा हो तुरंत इसको पी लीजिए, तो आपको तुरंत ही यहाँ से खुला हुआ महसूस हो जाएगा, श्वास नली आपकी खुल जाएगी और सांस पूरा आने लग जाएगा। ये जो ड्रिंक है, अदरक लहसुन और शहद, इसका एक कप सुबह खाली पेट और एक कप शाम को, इनको आप पीना शुरू कर दीजिए। आपका पूरा बंद जो गला है वो ठीक हो जाएगा। साथ साथ में ठंडा पानी, फ्रिज की रखी हुई चीजें, दही लस्सी, खट्टी चीजें, बासी चीजें, इनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। प्राणायाम प्रतिदिन करें, ये सबसे अच्छी होम रेमेडी है जिसका अक्सर लोग पीछे छोड़ देते हैं। प्राणायाम प्रतिदिन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे अच्छा है इसमें आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तीनों प्राणायाम प्रतिदिन सुबह शाम एक एक घंटा जरूरी है। आसन भी कुछ बहुत अच्छे हैं इसके लिए, जैसे भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा है वो प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी से खुल जाता है। आप अनुलोम विलोम करते हैं, तुरंत आपको पता चलता है आपकी नाक, छाती सब खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन प्राणायाम को किसी खुली जगह पे बैठ के करें, जहाँ पे धूल धुआं पॉल्यूशन ना हो, हरियाली हो, वातावरण अच्छा हो, ऐसी जगह पे बैठ के करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं के बारे में, जिसमें हम छाती पे लपेट लगाते हैं। दो कपड़े ले लें, दो पट्टियां बना लें, खादी की ले लें, कॉटन की ले लें, और उसको इस तरह से यहाँ से ऐसे लपेट दिया, और एक पट्टी आपने इधर से लपेट दी, और पूरा छाती को कवर कर दिया जाता है, अंदर ठंडा, ऊपर से फिर एक पट्टी गर्म, यहाँ से इधर वी बना करके, इधर से पीछे से ले जा करके उसको पूरा कवर कर देते हैं चेस्ट को। और ये जो ठंडी लपेट है, ऊपर से गर्म है, अंदर जा करके कफ को मेल्ट करती है, और कफ आपका पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। रात को लगा के सो जाएं, दिन में लगा के थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। धूप लेना बहुत जरूरी है अस्थमा वाले रोगियों को, अपनी बैक के ऊपर, छाती के ऊपर रोज प्रतिदिन सुबह घंटे की धूप जरूर लेनी चाहिए। और ये चेस्ट पैक आपके अंदर जितना भी कंजक्शन है, कफ जमा हुआ, उसको निकाल देगा। पेट को आपने हमेशा एनीमा के द्वारा साफ करते रहना है, पेट में किसी भी तरह की कब्ज, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। खाने में आपको इसमें खजूर बहुत विशेष लाभ देता है, गर्म तासीर की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, और दालचीनी है, तुलसी है, अदरक है, गिलोय है, इनका प्रयोग, एलोवेरा है, बहुत अच्छा है। प्रतिदिन आपको इनका प्रयोग अपने भोजन के रूप में कहीं ना कहीं ऐड करना है। एलोवेरा बहुत अच्छा है अस्थमा के रोगियों के लिए। हल्दी, अगर आपको, वैसे तो अस्थमा वाले रोगियों के लिए दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें हम प्राकृतिक चिकित्सा में बंद कर देते हैं, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में आपको लेना पड़े तो हल्दी डाल के लें, या पानी के अंदर ही थोड़ी सी हल्दी डाल करके प्रतिदिन आप पीते रहें, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा खुल जाएगा।
स्टीम लेना, भाप लेना इसमें बहुत अच्छा रहता है। धूप स्नान, भाप स्नान, चेस्ट पैक, एनीमा करना और साथ साथ जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया पे मैं इसलिए विशेष जोर देती हूँ कि अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले एक छोटी बच्ची आई थी 11 साल की, उसको मैंने एक दिन पूरा दिन भर फास्ट करवाया, प्लेन वाटर फास्टिंग। इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी अस्थमा से कि वो रात भर सो नहीं पाती थी, और जिस टाइम फसल कटती है उस टाइम इसका अटैक ज्यादा आता है, तो वो उसी टाइम पे आई हुई थी जिस टाइम फसल कट रही थी। तो रात भर उसको अटैक इस तरह से पड़ा, नेक्स्ट डे मैंने उसको फास्टिंग करवाया, और जिस दिन उसने फास्ट किया और दिन में 5-6 बार कुंजल किया, उस दिन रात को वो बड़े आराम से सोई। चेस्ट पैक लगा देते थे रात को उसको और वो बहुत शांति से सो जाती थी। फल, सब्जियां, सलाद, ये सब हम उनको देते हैं मौसम के जो रहते हैं, कोई परहेज नहीं होता है। कई बार कहते हैं कि अस्थमा के रोगियों को फल नहीं देना क्योंकि ठंडे होते हैं। जितने भी मौसम के फल हैं, नाशपाती है, बब्बू गोशा है, पपीता है, चीकू है, ये सब भरपूर खाएं वो, और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स में खजूर वो लेते रहें, अंजीर वो लेते रहें, इस तरह की चीजें खाएंगे तो शरीर में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती जाएगी और अस्थमा का रोग धीरे धीरे। बाकी प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रयोग है इसमें अस्थमा के अंदर, वो बहुत लाजवाब है। हजारों रोगी यहाँ से ठीक होकर के गए हैं अस्थमा के, और बहुत आसान है इसको ठीक करना। हमें लगता है ऐसा है कि शायद असाध्य रोग है, ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अस्थमा अगर ठीक हो सकता है तो योग प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक हो सकता है। कहते हैं अस्थमा पेशेंट्स को खट्टी चीजें या फिर सिट्रस फ्रूट नहीं खाने चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जूस अगर आप नहीं पी सकते हैं तो जूस बिल्कुल ना पिए, लेकिन फल खाएं आप जरूर। संतरे खा सकते हैं, मौसमियां खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में विटामिन सी ही कफ की दवाई है। जितना ज्यादा विटामिन सी लेंगे उतनी जल्दी कफ आपका दूर होगा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई किसी तरह के फल खाने के ऊपर किसी तरह का मनाही नहीं होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में हर तरह का फल बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, हर तरह का फल, तुलसी डाल करके आप पेठे का जूस भी ले सकते हैं। अगर आपको ठंड करता है, पेठे का जूस है, घी का जूस है, तो उसके अंदर तुलसी, अदरक, चुकंदर, ये सब चीजें हम डाल करके ले, जिससे कि उसकी तासीर बदल जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें जरूर लेनी है, अवॉइड नहीं करना है। लोग खाते नहीं है ये सोच करके कि फल और सब्जियां ये सब मुझे ठंडी तासीर की है। हाँ, सर्दियों में जैसे मूली हुआ तो थोड़े दिन उनको अवॉइड करवा देते हैं, अदरवाइज बाकी फल, सब्जियां, सलाद वो ले सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स को की डाइट दिन भर की क्या होनी चाहिए, मतलब सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या चीज खाना ठीक रहेगा? सुबह उनको जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठने के बाद कोशिश ये करें कि फुट बाथ कर लें गर्म ठंडे पानी का। गर्म पानी में पैरों को डिप किया, फिर ठंडे में डिप किया, इस तरह से फुट बाथ करें, पेट की सफाई करें एनीमा के द्वारा। कुंजल क्रिया से ऊपर आपके जो आमाशय है, जो श्वास नली है, उसकी सफाई हो जाए, भोजन नली है, कुंजल क्रिया करें, जल नेति करें, रबड़ नेति करें, नस्य करें, नस्य कहते हैं घृत नेति को, नाक में बादाम, रोगन या सरसों का तेल डालें, प्रतिदिन डालें, इससे बहुत जबरदस्त लाभ होता है। और इसके बाद फिर आपकी जो शुरुआत होती है, 1 घंटा आसन प्राणायाम जरूर करें, फिजिकल वर्क, दौड़ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो रोगी समर्थ है, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, उनको थोड़ी देर हल्की जॉगिंग जरूर करनी चाहिए सुबह खाली पेट। उसके बाद जो आपका डाइट मैंने बताया था, जो ड्रिंक तैयार आपको करना है, एलोवेरा जूस अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हो, 4 ढक्कन आधे ग्लास पानी में डाल करके एलोवेरा जूस ले लें। फिर उसके बाद जो आपको काढ़ा बनाना था मैंने बताया था, उसमें तुलसी, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी हल्दी, और उसको ठंडा होने के बाद शहद, ये सब चीजें डाल लें। उसमें गिलोय भी डाल सकते हैं, क्योंकि गिलोय भी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। गिलोय की तासीर कई लोग कहते हैं जी ठंडी रहती है, ये तो आपको अस्थमा हो रहा है, तो अगर गर्म, थोड़ा गर्म पानी में पियेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, अगर बिल्कुल ठंडा करके पियेंगे तो फिर वो तासीर उसकी ठंडी हो जाती है। इसलिए हल्का गुनगुना गुनगुना उसको आप पी लें शहद डाल करके। तो ये आपका ड्रिंक है, वो सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसके बाद जो आपका नाश्ता है, भीगी हुई अंजीर है, मुनक्का है, ये आप नाश्ते में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो सबसे बढ़िया इसमें रहता है खजूर, गर्म पानी में धो करके उसको आप खा लो,
अगर आपको गर्म रहता है, मान लीजिए जैसे अभी आजकल गर्मियां हैं, तो इसको रात को पानी में भिगो दो और भिगो करके सुबह नाश्ते में इसको खा लो। खजूर कल्प भी हम करवा देते हैं इसमें, तो सुबह नाश्ते में आप खजूर खाएं, इस तरह का काढ़ा पिए। दोपहर में चने की रोटी और मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी, और साथ में सलाद भी ले सकते हैं। दही लस्सी बिल्कुल अवॉइड करें, दमे अस्थमा में किसी भी तरह का दही लस्सी छाछ प्रयोग ना करें। 3-4 बजे जब आपको दोबारा भूख लगे तो गुनगुने पानी में नींबू पानी शहद और उसके अंदर थोड़ा सा आप डाल लें अदरक, बहुत अच्छा रहता है। नींबू पानी शहद और अदरक ये डाल करके इसको सिप करके पीजिए, बहुत अच्छी ड्रिंक तैयार हो जाती है। आप अगर चाय पीने के आदि हैं, आपको चाय की लत है, चाय आपने छूनी है, तो आप दालचीनी की चाय पिए, दालचीनी बॉइल करके मुलेठी की चाय पिए। तो इस तरह के हर्बल काढ़े आपको अस्थमा में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा गर्म गर्म नहीं पीना। मैंने कहा गुनगुना पीना है या बिल्कुल हल्का ठंडा करके पीना है। अगर अस्थमा के साथ साथ कोई ऐसी बीमारी है, अल्सर है या बवासीर की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ठंडे करके इन काढ़ों को लो, ले गरम गरम ना पिए। रात को फिर उसी तरह से अपना भोजन जल्दी करें, सुपाच्य रखें, दलिया खिचड़ी सब्जियां डाल करके ले लें या फलाहार करें, पपीता खाएं, चीकू खाएं। उसके बाद अनार बहुत अच्छा रहता है दमा वाले रोगियों के लिए, अनार चबा चबा के खाना बहुत बढ़िया रहता है। तो ये सब चीजें हमें अपने डाइट में शामिल करनी है, और थोड़ा परहेज के साथ, परहेज ही इसकी दवाई है, परहेज के साथ चलेंगे, अपना आसन प्राणायाम करते रहेंगे, फुट बाथ है या स्टीम बाथ है, ये सब चीजें इसमें बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। मिट्टी की पट्टी है, एनीमा है, गर्म पानी का कटी स्नान है, चेस्ट पैक है, जल नीति, रबड़ नीति, कुंजल क्रिया है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा पूरे दिन भर की कुकिंग में ये क्रियाएं भी शामिल होना चाहिए। डाइट भी हमारी बहुत इसमें आपको देख करके संभल करके खाना है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है वही आपने खानी है। और सबसे जो विशेष इसमें ध्यान रखना है कि आपको रोग को जड़ से ठीक करना है, दबाना नहीं है। हम सोच लेते हैं चलो आज तो गोली ले लो, आज तो इनहेलर ले लो, कल से करेंगे। तो आप सोच लें कि मुझे इस रोग को जड़ से खत्म करना है। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, मन का संकल्प आपका स्ट्रांग होगा, तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं उन लोगों का अनुभव अभी आपको नहीं सुना पा रही हूँ जो लोग ठीक हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रोग क्योरेबल है, असाध्य नहीं है। और जितना बन पाए घर में कर लें, वरना आपके नजदीकी कोई भी प्राकृतिक चिकित्सालय हो वहां जाकर के आप इन क्रियाओं को सीख लें। क्योंकि जब तक आप इनको प्रॉपरली सीखते नहीं हो, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स होती रहती हैं, फिर हमारा भरोसा उठने लग जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा से तो रोग ठीक नहीं होता है, इससे तो रोग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। तो उसको कम से कम एक बार साइंटिफिक तरीका उन सब चीजों का सीख लें, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। जब एक बार एलोपैथिक मेडिसिन अगर शुरू हो जाती है तो क्या वो मेडिसिन रोकी जा सकती है और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाया जा सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा और योग करते ही दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मेडिसिन पूरी तरह से छोड़ सकते हैं जब आप योग प्राकृतिक चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा और एलोपैथी का तो विरोधाभास है। जब हम दवाइयां खा रहे हैं तो हमें वो सप्रेस कर रहा है और हम लोग निकाल रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं, फिर हमें एक को स्टॉप करना पड़ता है। इसलिए हम लोग पहले दिन से ही यहाँ दवाइयां बंद कर देते हैं हर तरह। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अस्थमा मतलब दमा दम के साथ जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अब ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? दमा असाध्य रोग है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा योग द्वारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैंने बताया है कि आपको थायराइड हो जाए तो डॉक्टर्स बोलेंगे थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन एक महीने में पूरी तरह से थायराइड ठीक हो जाता है। कहीं पर भी स्टोन है शरीर के अंदर तो उस अंग को निकालना ही सॉल्यूशन है, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही कोई भी रोग हो गया, अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, एलोपैथी साइंस में पढ़ाया ही नहीं गया उनको कि ये रोग ठीक होते हैं, उनकी जो साइंस है वो बनी ही इस तरह से है, उनका मिस्टेक नहीं है। अस्थमा होने के बाद वो दवाइयां देकर के सप्रेस कर देते हैं, उसको लक्षण को दबा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सके।
लंग्स को कैसे एक्टिवेट किया जा सके, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन, तो आपके लंग्स क्लीन हो जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके जो फेफड़े हैं ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं, इस तरह से अगर हाथ रख के मैं समझाऊं आपको, जब आप श्वास भरते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, जब श्वास निकालते हैं तो ये इस तरह से सिकुड़ जाते हैं। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन, तो लंग्स के अंदर जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है, जो होल्स बंद हो जाते हैं, वहां प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, और जहां ऑक्सीजन जाता है वहां पे डीजनरेशन स्टॉप हो जाता है, वहां पे फिर से आपकी लाइफ शुरू हो जाती है। मोर ऑक्सीजन मोर एक्टिवनेस, लेस ऑक्सीजन लेस एक्टिवनेस, जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहीं पर रोग बनना शुरू हो जाता है। जब हम प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपको उसको रेगुलर करना होता है, 2-3 महीने तक कंटिन्यू चलाना होता है डेडिकेशन के साथ प्राकृतिक। अब ये नहीं कहना कि देखो योग तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, योग के साथ साथ मैंने बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा एक है, योग विद्या लगा दो तो 0 बन जाती है, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर फिर 0 बन जाती है, उसके साथ साथ आहार चिकित्सा फिर 0 बन जाती है, हर्बल चिकित्सा आयुर्वेद, वो सब उसकी क्वालिटी को बढ़ाती चली जाती हैं। इसलिए सारी चीजें अप्लाई करनी, मैंने इसमें काढ़े भी बताए जो आयुर्वेद का पार्ट है, मैंने इसमें क्रियाएं भी बताई, जल नेति कुंजल क्रिया जो प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग है, इसमें मैंने प्राणायाम भी बताया, आसन भी बताए हैं, और आपका लाइफ स्टाइल सुबह जल्दी उठने से लेकर के रात को सोने तक आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, दौड़ना भागना भी है, जिससे कि आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती रहे, तो सब चीजें मैटर करती हैं। एक अकेली चीज को लेकर के आप नहीं चले, नुस्खों के सहारे बैठे रहते हैं। अभी आपकी वीडियोस देख करके लोग, आपकी वीडियोस को देखते भी इसीलिए हैं कि बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर के लोग आते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी सभी को कि नुस्खे के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करो, वो तो आपने पीना ही है, काढ़ा पीना है सुबह शाम, लेकिन साथ साथ प्राणायाम भी करना है, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं भी करनी है, और अपने लाइफस्टाइल को भी बेटर बनाना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, थॉट प्रोसेस अच्छा रखना है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है, थोड़ा आध्यात्मिकता के साथ जब हम जुड़ते हैं, जब हम थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे रोग भी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम महतत्व चिकित्सा बोलते हैं, राम नाम चिकित्सा, पंच तत्व चिकित्सा के बाद किसी का कितना भी क्रिटिकल रोग हो, जा नहीं रहा हो, तो आप बैठ करके राम नाम चिकित्सा कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, वो भी हमारे इलाज का ही एक पार्ट होता है। इन सब चीजों का जब एक साथ फॉलो करते हैं तो रोग 100% चला जाता है, उसमें कोई मन में शंका होनी नहीं चाहिए कि जाएगा या नहीं जाएगा, कितने दिनों में जाएगा, साध्य है तो समय जरूर लग, बोलते हैं जिसमें पेशेंस हो, तो पेशेंस के साथ जब आप चलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। डॉक्टर विजाता, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, उम्मीद है दर्शक इनसे जरूर लाभ उठाएंगे। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।